दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे बेस्ट 5G सैमसंग स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको 20,000 रुपए से नीचे मिलेगा। फीचर्स में दोस्तों इन चारों स्मार्टफोन का तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये चारों। इन चारों में से अगर आप किसी को भी खरीद लेते हैं ना तो आपको जो है कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जिससे कि हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप इजिली प्ले कर पाएंगे। रेगुलर आप 4 से 5 घंटा गेमिंग कर सकते हैं इन चारों स्मार्टफोन में। और दोस्तों कुछ हो या ना हो लेकिन सैमसंग के फोन में आपको डिस्प्ले और बैटरी बेस्ट मिलेगा। बैटरी 6000 mAh का मिलेगा दोस्तों, और तो और जो है डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लो प्राइस वाले फोन में भी आपको जो है सैमसंग वाले फोन में आपको सुपर एमोलेड मिलता है, तो इसमें तो आपको जो है 20,000 रुपए वाला फोन है तो आपको सुपर एमोलेड का बेस्ट डिस्प्ले तो मिलेगा ही मिलेगा। चारों लेटेस्ट स्मार्टफोन है और प्रोज एंड कॉन्स की भी हम बात करेंगे जिससे आप जो है एक अच्छा फोन खरीद पाए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर की ओर चलेंगे। तो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G जो कि दोस्तों एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये सैमसंग की तरफ से। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन का डिजाइन काफी सिंपल सा ही मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह स्मार्टफोन स्टाइलिश नहीं है। स्टाइलिश के मामले में दोस्तों काफी अच्छा फोन है ये, ठीक है। पहली नजर में ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाएगा। इसके रियर पैनल जो है मैट फिनिश के साथ आता है और ये फोन काफी ग्लासी और इसका जो रियर पैनल है वो स्मज फ्री है। ऐसे में ये फोन जल्दी गंदा नहीं होगा और ना ही फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे बैक साइड में। बैक साइड में लेफ्ट के टॉप कॉर्नर पे आपको कैमरा बम्प मिलता है जिसमें कि क्वाड कैमरा को सेटअप किया गया है। इस फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिलता है, उसी के ठीक नीचे आपको पावर बटन भी दिया गया है। और बॉटम में स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm का हेडफोन जैक, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन मिल जाता है। ये फोन थोड़ा बल्कि जरूर है लेकिन स्टाइल और बिल्ड क्वालिटी के मामले में पूरे नंबर को डिजर्व करता है, ठीक है। ओवरऑल इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में कहें तो काफी अच्छा सा डिजाइन दिया गया है, सिंपल सा ही है लेकिन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब गाइस इस फोन के हम मेन फीचर्स की बात करते हैं तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इस फोन में 6.6 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वैसे दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन मिल जाएगा। यहां तक कि जो है जो इस फोन का प्राइस है उससे नीचे वाले प्राइस वाले फोन में भी आपको जो एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है लेकिन इस फोन में आपको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 120Hz का जो हाई रिफ्रेश रेट है वो एमोलेड डिस्प्ले की कमी को पूरा करता है। काफी स्मूथ और ब्राइट डिस्प्ले है दोस्तों, तो विजुअल एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा मिलता है। वैसे आउटडोर में भी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस फोन में काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर इस प्राइस में जो इसमें एमोलेड डिस्प्ले होता तो और बेस्ट होता, ठीक है, ये टॉप पे स्मार्टफोन चला जाता। तो कुल मिलाकर डिस्प्ले आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अब इस फोन के कैमरा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि काफी लाजवाब है। और जैसा कि हमने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, तो इसका जो मेन सेंसर है वो 50 MP का मिलता है और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड के लिए और दो 2 MP का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर। और गाइस फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है। अच्छी बात तो ये है कि इसके रियर कैमरे से आप 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 5G को होते हुए दोस्तों इसमें आपको जो 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आपको जो है कैमरा मिल रहा है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है उससे आप 30 FPS पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका बैक कैमरा तो बिल्कुल ही बेस्ट मिलता है, आप काफी अच्छा फोटो क्लिक कर पाएंगे। तो अगर आप रियर कैमरे से लो लाइट में भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसका जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छा मिलता है। इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों उससे आपको जो उतना ज्यादा बेस्ट क्वालिटी देखने को ना मिले, लेकिन एवरेज आपको जो फोटो क्वालिटी मिलेगा सेल्फी कैमरे से, ठीक है। तो कैमरा में दोस्तों काफी अच्छा है, साथ में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन और पैनोरमा जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको कैमरे में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैमरा काफी अच्छा इस फोन में दिया गया है। और इसका जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड है दोस्तों वो भी नंबर वन मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरी दिया गया है और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25W का चार्जर आपको मिलता है। तो बैटरी बैकअप तो आपको कम से कम 3 दिन तक का मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूजर्स हैं तो, लेकिन अगर आप हैवी यूजर्स हैं जैसे कि वीडियोज ज्यादा देखते हैं या फिर गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो ये फोन को आप आराम से 1.5 दिन तक यूज कर सकते हैं। और दोस्तों चार्जिंग स्पीड जो है काफी अच्छा मिलता है, सिर्फ आप जो है 1 घंटे में इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वहीं इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Exynos 1280 का एक 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। पबजी या फिर फ्री फायर जैसे हैवी गेम्स को दोस्तों आप काफी इजिली प्ले कर पाएंगे इस फोन में। मल्टीटास्किंग वगैरह को काफी अच्छे से हैंडल करता है। अगर आप 6GB रैम वाले वेरिएंट के साथ जाते हैं तो आपको 6GB रैम का वर्चुअल सपोर्ट मिलेगा और दोस्तों 8GB रैम वाले फोन के साथ जाते हैं तो आपको 8GB रैम का वर्चुअल सपोर्ट मिलेगा। एंड्रॉइड 12 बेस्ड वन UI 4.1 पे वर्क करता है, तो आपको थोड़ा बहुत सैमसंग का ही जो है ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे, उसे अनइंस्टॉल भी आप कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों काफी अच्छा कहेंगे इस फोन में। अगर आप ज्यादा हैवी गेम्स वगैरह ना खेलें तो ही इसमें जो है काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें तो पहला नंबर तो आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट सिर्फ 17,000 रुपए में मिल जाएगा। सिर्फ 17,000 रुपए में दोस्तों 5G को होते हुए भी इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी दिया गया है
4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है कैमरे से, और आपको जो है डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता ही है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये सैमसंग की तरफ से, चौथे नंबर पर आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। तो इस फोन के बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, तो आप जरूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलता है, लेकिन दोस्तों जो बजट स्मार्टफोन होता है दूसरा, उससे जो है काफी बेहतर देखने को मिलेगा। पीछे से जो इसका लुक है वो काफी प्रीमियम सा देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट के निशान भी आपको जो है बैक साइड में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसका जो बैक साइड में है वो ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको दिया गया है, जिसका बम्प भी ज्यादा नहीं है। तो आप बिना चिंता किए किसी फ्लैट सरफेस पे भी आप इस फोन को आराम से रख सकते हैं। फोन के राइट साइड में पावर बटन मिल जाएगा, जिसमें कि फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों फोन के नीचे आपको जो है माइक्रोफोन और आपको जो USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। तो ओवरऑल डिजाइन के बारे में कहें तो सिंपल सा ही डिजाइन है दोस्तों, लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है। अब हम इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इस फोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में इसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इनडोर में या फिर आउटडोर में आपको कहीं भी कोई भी ब्राइटनेस प्रॉब्लम नहीं होगा। काफी अच्छे से आप जो है PDF वगैरह पढ़ पाएंगे धूप में भी, ठीक है। तो काफी अच्छा डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस फोन के कैमरा की बात करें दोस्तों, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 50 MP का मेन लेंस दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड के लिए आता है और 2 MP का माइक्रो लेंस, और फ्रंट में सेल्फी के लिए भी 8 MP का कैमरा मिल जाता है। 30 FPS का फ्रेम रेट मिल जाएगा, और गाइस 10x तक का डिजिटल जूम का सपोर्ट भी मिलता है आपको मेन कैमरे से। तो कैमरा भी आपको जो है काफी एवरेज सा ही मिलता है, लेकिन दोस्तों काफी अच्छा कैमरा है। अब अगर आप स्पेशली कैमरा के लिए जा रहे हैं तो आप जो है इस फोन को कैमरा के लिए नहीं खरीदें, क्योंकि जो है एवरेज सा कैमरा इस फोन में आपको मिल रहा है। और कैमरा फीचर्स में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन जैसे बहुत सारे फीचर्स तो आपको मिलेगा ही। तो एवरेज सा कैमरा है दोस्तों, काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब इस फोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया, और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25W का चार्जर मिलता है। अगर आप नॉर्मल यूजर्स हैं तो आप इस फोन को 2 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। हैवी यूजर्स के लिए जो है ये फोन 1 दिन आराम से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बैटरी बैकअप दोस्तों और चार्जिंग स्पीड भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। 1 घंटे में करीब जो है आप इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे, तो काफी अच्छा चार्जिंग स्पीड भी मिल जाता है। वहीं इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का एक 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि ऑक्टा कोर के साथ आता है। पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल रहा है दोस्तों, 5G का नेटवर्क भी आपको मिल रहा है, तो काफी अच्छा गेमिंग कर पाएंगे। पबजी, फ्री फायर या फिर COD जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को भी जो है आप हाई सेटिंग में प्ले कर सकते हैं। और गाइस इस फोन में आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, तो जितना ज्यादा 5G बैंड्स होते हैं उतना जो है नेटवर्क काफी फास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5G तो फोन है ही, लेकिन इसका जो नेटवर्क है वो भी आपको काफी फास्ट देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 12 Vista 1 UI 4.1 पे वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें आपको 2 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल तक का जो है सिक्योरिटी अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में। ओवरऑल इस फोन के बारे में कहा जाए दोस्तों तो 5G तो नेटवर्क आपको मिलेगा, साथ में आपको इसका डिस्प्ले भी बड़ा सा है, IPS LCD पैनल ही है, लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस काफी तगड़ा देखने को मिलता है। कैमरा एवरेज सेट दिया गया है, परफॉर्मेंस में बेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल रहा है और बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं, सैमसंग की तरफ से चौथे नंबर पे बेस्ट फोन। अब दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। ये भी दोस्तों काफी अच्छा स्मार्टफोन है, खास करके ये जो कैमरा में और परफॉर्मेंस में बेस्ट है, और प्लस डिस्प्ले भी इसका काफी अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम इस फोन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस फोन का जो बैक पैनल और फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, और ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, ठीक है। तो 2 SIM कार्ड आप एक साथ लगा पाएंगे, या फिर 1 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड। और 190 ग्राम का है, तो फोन आपको थोड़ा सा भारी फील करा सकता है, बट दोस्तों सिंपल सा ही डिजाइन है, लेकिन ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब बात करें इस फोन के हाईलाइटेड फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में आपको मिल रहा है, इसलिए इस फोन को हमने जो है सेकंड नंबर पर रखा। प्लस कैमरा और परफॉर्मेंस ये सभी जो है बेस्ट मिलता है, ठीक है, इसलिए हमने सेकंड नंबर पर इस फोन को रखा। तो डिस्प्ले दोस्तों बिल्कुल ही बेस्ट मिल रहा है, आपको पता होगा कि एमोलेड डिस्प्ले कितना बेस्ट होता है। पबजी, फ्री फायर या फिर COD जैसे गेम आप जो है काफी स्मूथली प्ले कर पाएंगे इस फोन पे। अगर आप धूप में या फिर ज्यादा लाइट में भी इस फोन को यूज करते हैं तो आपको ब्राइटनेस वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले में काफी अच्छा है ये फोन। इस फोन के कैमरा की बात करें दोस्तों, तो कैमरा बिल्कुल ही बेस्ट मिल रहा है, चाहे वो फर्स्ट नंबर वाला फोन जो आएगा या फिर जो पीछे जो दोनों फोन आया था उससे बेस्ट कैमरा में है ये। क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है,
48 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर, और फ्रंट में सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया उससे 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक में। तो कैमरा में दोस्तों बिल्कुल ही बेस्ट है, यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वैसे अगर आप 25 या फिर 30 हज़ार रुपये वाले फोन में भी जाएंगे तो आपको माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर 2-2 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और कैमरे फीचर्स में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, पैनोरमा और HDR जैसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो कैमरा में दोस्तों काफी अच्छा है। इस फोन के अलावा जो तीनों फोन है वो तीनों इस फोन को टक्कर नहीं दे सकता है कैमरा में, ठीक है। तो कैमरा में काफी अच्छा मिलता है। बात करें बैटरी और चार्जिंग स्पीड की, तो बैटरी बैकअप में तो काफी अच्छा है लेकिन आपको चार्जिंग में निराश करेगा। 5000 mAh का बैटरी दिया गया और उसी को चार्जिंग के लिए 15W का चार्जर, तो बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा काफी अच्छा, लेकिन दोस्तों स्लो चार्जिंग का सामना इस फोन में आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग से हाई पावर वाले एडेप्टर को यूज कर लेते हैं तो काफी अच्छा मिल जाएगा आपको चार्जिंग स्पीड भी, तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा इस फोन में। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का एक 5G प्रोसेसर दिया गया जो कि काफी पावरफुल है, तो गेमिंग वगैरह काफी इजीली आप इस फोन में कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11.1 UI 3.1 पे वर्क करता है, तो आपको थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर मिलेंगे बट उसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों काफी अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें दोस्तों तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन में दिया गया है जो कि काफी अच्छी है, और इसमें आपको कैमरा तो बिल्कुल ही बेस्ट मिल ही रहा है, साथ में आपको बैटरी भी 5000 mAh का दिया गया और परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट प्रोसेसर मिल ही रहा है। तो काफी अच्छा फोन है सैमसंग की तरफ से, सेकंड नंबर पे आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों टॉप पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G जो कि दोस्तों नंबर वन स्मार्टफोन है। इस फोन का कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले भी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और प्रोसेसर, हर चीज जो है बेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस फोन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस फोन के हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलता है, लेकिन दोस्तों काफी प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, ठीक है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो सिर्फ 2 SIM कार्ड आप एक साथ लगा पाएंगे या फिर 1 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। ओवरऑल कहें दोस्तों तो डिजाइन काफी अच्छा सा आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस इस फोन का जो मेन फीचर्स है उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ओवरऑल कहें तो डिस्प्ले नंबर वन देखने को मिलता है। एक तो आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है, साथ में आपको हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है 120Hz। तो अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर वीडियोस वगैरह ज्यादा देखते हैं तो आपको जो है काफी आनंद आएगा क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले नंबर वन आपको मिल रहा है इस फोन में। और वहीं इस फोन के कैमरा के बारे में कहें तो ये भी दोस्तों बेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो आप इसी के साथ जा सकते हैं क्योंकि ट्रिपल कैमरा का सेटअप इसमें दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। यहां तक कि दोस्तों 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस मिल रहा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अच्छी बात तो ये है कि रियर और फ्रंट दोनों से आप जो है 30 FPS पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो कैमरा और डिस्प्ले दोस्तों बेस्ट देखने को मिलता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25W का चार्जर, तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड भी आपको जो ठीक ठाक मिल जाता है। और दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक 5G प्रोसेसर दिया गया जो कि ऑक्टा कोर के साथ आता है, तो बिल्कुल ही पावरफुल प्रोसेसर इस फोन में आपको मिल रहा है। तो हर चीज तो बेस्ट है ही, आपको डिस्प्ले एमोलेड मिल रहा है जो कि हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कैमरा भी दोस्तों नंबर वन दिया गया है। बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड आपको एवरेज सा मिल जाएगा और परफॉर्मेंस तो बेस्ट है ही। तो काफी अच्छा फोन है ये सैमसंग की तरफ से, नंबर वन स्मार्टफोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हमारे नजर में ये चारों बेस्ट सैमसंग का 5G फोन है जो कि आपको 20,000 रुपए से नीचे मिलता है। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस फोन को कवर करेंगे। सो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल